फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वाति आपके साथ। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं अमेजिंग फैक्ट अबाउट कुरान एंड साइंस। तो चलिए, आज के दौर में ऐसे क्या क्या फैक्ट है जो साइंस प्रूव नहीं कर सका है, और किया भी है तो भी बहुत ज़्यादा देर लगाई है उन्होंने। तो चलिए देखते हैं। ऐसा एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, तो ज़्यादा बकबक करने से पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में बसने वाली हर चीज़ उस रब्बे ताला ने बेहतरीन अंदाज में बनाई है और उसने अपनी बेशुमार इसमें निशानियां रखी ताकि इंसान इसमें गौर करे, उसकी ज़ात पर ईमान लाए। इसलिए वो अपनी किताब कुरान पाक में बार बार फरमाता है, क्या ये लोग हमारी निशानियों में गौर नहीं करते? इसमें अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। तो आए नाज़रीन, ज़रा गौर करने की कोशिश करते हैं कि चूंटियाँ चलते चलते रुककर दूसरी चूंटी के मुंह से मुंह लगाकर क्या करती हैं, और मज़ीद ये कि बारिश होने से पहले ही इन्हें कैसे पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। नाज़रीन गामी, गौर करने की बात है कि अल्लाह ने एक छोटी सी चूंटी को ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि आने वाले मौसमों के बारे में इसे पहले ही पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है, जो साइंस नाज़रीन आज बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए पता कर रही है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने किसी भी मखलूक को बेमकसद पैदा नहीं किया, बल्कि उसमें ऐसी सलाहियतें रखी हैं कि हम गौर करें तो अक्ल हैरान रह जाए। कुरान मजीद में चूंटियों से मुतालिक सूरे नमल की आयत नंबर 18 में यूं इरशाद होता है, यहाँ तक कि जब वो चूंटियों की वादी पर आए तो एक चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल ना डालें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की ये बात सुनकर मुस्कुराए और आप अलैहिस्सलाम ने अपने लश्करों को ठहरने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि चूंटियाँ अपने घरों में दाखिल हो गईं। नाज़रीन ग्रामीण, चूंटियों समेत कई जानवर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करते थे और अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनसे बात करने की सलाहियतें अता फरमाई थीं, और जो बात कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले बताई, आज की जदीद साइंस मुख्तलिफ तजुर्बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुँची है कि चूंटियाँ एक ज़बरदस्त सामाजिक सिस्टम में रहती हैं, और नाज़रीन इतने कम्प्लीटेड सिस्टम से बात करती हैं कि अक्ल दंग रह जाए। साइंस ने बताया कि चूंटियाँ आवाज़ से बात नहीं करती, बल्कि चूंटियाँ बातचीत करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे केमिकल का इस्तेमाल करती हैं, यानी नाज़रीन एक तरह से ये डेटा पास करके बात करती हैं। और नाज़रीन, इनका तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह से छोटे छोटे केमिकल निकालती हैं और सामने वाली चूंटी के मुंह पर चिपका देती हैं, और दूसरी चूंटी इससे सारी बात समझ लेती है। इसलिए नाज़रीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि चूंटियाँ चलते चलते रुक कर दूसरी चूंटी के मुँह से मुँह लगा कर आगे चली जाती हैं। ये वो नाज़रीन प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वो बातचीत करती हैं, और साइंसी रिसर्च में ये भी साबित हो चुका है कि चींटियाँ आपस में न सिर्फ बात करती हैं बल्कि एक ज़बरदस्त निज़ाम के तहत ज़िंदगी भी गुजारती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक मामूली सी चींटी अपने वज़न से तकरीबन 20 गुना ज़्यादा वज़नी चीज़ उठाने की ताकत रखती है, और उनमें से बाज़ की अकसाम तो ऐसी भी हैं जो अपने से 100 गुना ज़्यादा वज़न उठाने की ताकत रखती हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपने अक्सर ये देखा होगा कि बारिश होने से पहले चींटियाँ अपने घर के बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के पहाड़ बना लेती हैं ताकि बारिश का पानी उनके घर में ना आ सके, और उन्हें वक्त से पहले ही बारिश का अंदाज़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि नाज़रीन, उनमें कुदरती तौर पर एक सेंसर मौजूद होता है जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है तो चींटियों में मौजूद ये सेंसर उन्हें महसूस करता है और चींटियों के दिमाग को बारिश के मुतालिक पैगाम पहुँचाता है, और इस तरह से नाज़रीन, चींटियाँ बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहन सहन का इंतज़ाम कर लेती हैं। नाज़रीन ग्रामी, वो लोग ज़रा सोचें जो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते कि 1400 साल पहले कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी और मशीन थी जिसके ज़रिए इस बात का पता चला, जिस बात को आज साइंस सालों की रिसर्च करने के बाद बता रही है। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जिसने भी कुरान में गौर व फिक्र किया, उस पर रिसर्च की, तो वो ईमान की दौलत से सरफराज हुआ। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो भी बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मुझे भी नहीं पता था कि यह चींटियाँ मुँह से मुझ जब लगाती है तो वो एक लिक्विड होता है उनके मुंह पे, थोड़ा सा वो आगे वाले चींटी के मुंह पे चिपका देती है, उससे वो बातें करते हैं, हमारे जैसे वो बातें नहीं करते।
हमारे जैसे आवाज़ निकल कर बातें वो नहीं करते। और उस और ये भी उन्होंने बताया कि चींटी के ऊपर मतलब चींटी के पास ऐसा सेंसर होता है जिससे उन्हें पता चलता है कि बारिश कब आने वाली है। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। और ये बात तो कुरान में बहुत दिनों पहले ही लिखी हुई है, और साइंस ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अब ये पता चला है उनको कि चींटियों के पास सेंसर होता है, इसलिए उन्हें बारिश का पता चलता है। और दूसरी बात उन्होंने जो बताई कि चींटियों के मुंह पे जो एक लिक्विड होता है, तो उस लिक्विड के मतलब लिक्विड से ही वो बातें करती है चींटियाँ। और ये भी बात कितना गौर करने वाली है कि हम इंसान, आम इंसान तो लाइन तो भूल जाते हैं, लाइन हमें लाइन में लगने को बोला तो हम भी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वो कितने स्ट्रेट लाइन से चलती है। ये भी मतलब बड़ी बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज़ है उनकी कि ये मतलब हमें तो सिखाना पड़ता है, वो कुछ ना सीख के भी बहुत ज़्यादा समझदार होती है। तो और वो जो चले, ये फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना।